बीजापुर में पिछले माह हुए कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 8 आदिवासियों की मौत के जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसका मंत्री कवासी लखमा और बस्तर सांसद दीपक बैज ने स्वागत किया है। कवासी लखमा ने कहा कि पुलिस ने नक्सली मुठभेड़ बताकर त्योहार मना रहे आदिवासियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद से कांग्रेस मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने लगातार इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रही थी, लेकिन जांच नहीं हुई और अब सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है, तो उसका स्वागत है। सैयद मेहता का मामला मैं स्वयं गया था। मैं ऐसा मामला सैयद मेहता हो चाहे ताड़ मेटला हो चाहे पैदा गेलूर सीना गेलूर हो, ये सभी में मैं संघर्ष किया हूँ। अब ये अगर सीबीएम ने अगर एफआईआर दर्ज किया तो ये स्वागत है। वो गलत है, जो सही है वो सही है। निश्चित रूप से अगर ऐसी रिपोर्ट अगर सीबीआई ने किया तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई और आदिवासियों की लड़ाई एक साकार हुई, और जिस तरह से बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा था वो हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नक्सलियों के हत्या के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है और कांग्रेसी काफी समय से इसका न्याय मांग रहे हैं। आपको बता दें कि त्योहार मना रहे आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी, ये बोलकर कि नक्सली मुठभेड़ हुई है और इसमें गोलीबारी हुई है जिसके चलते नक्सलियों की हत्या कर दी गई। दरअसल असल मामला ये था कि आदिवासी अपना त्योहार मना रहे थे जैसा कि आप देख सकते हैं कि आदिवासियों को नक्सली बताकर उनकी हत्या कर दी गई। सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना में